बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद वअला आलिही वसहबिही अजमाईन वमन तबिअहुम बिहसानिन इला मिद्दीन वबाद। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला वक़ाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना इस्तकबरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। तमाम किस्मों की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक लिलायक ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़दसा पर। मोहतरम सामीन, दुआ खालिस अल्लाह का हक है। अगर हम इस हक को अल्लाह के अलावा किसी और तरफ फेरते हैं तो यकीनन ये जुल्म है। जो हक माँ का है वो बाप को नहीं दिया जा सकता, जो बाप का है वो माँ को नहीं मिल सकता, भाई का है बहन को नहीं मिल सकता। हर किसी का हक मुतायन है और सबसे बड़ा हक अल्लाह तबारक व ताला का है। यहाँ कतन किसी सूरत में ये हक अल्लाह के अलावा किसी गैर की तरफ नहीं फेरा जा सकता, बहुत बड़ा जुल्म है। ये बात हमारे अपने दरमियान आसान सी लगती है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह को पुकारना है, उसी से दुआ करना है। लेकिन आप उन लोगों के बारे में गौर कीजिए जो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को पुकारते हैं, और उन लोगों के बारे में भी जो दावा करते हैं कि सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं लेकिन उनकी दुआ में शिर्क शामिल होता है, कहीं वसीले के नाम के पर, कहीं किसी के तुफैल में, कहीं किसी के सदक़े में। बात मामूली लगती है लेकिन है नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई बात हम मामूली समझ लें उसकी बुनियाद के पर उसकी सज़ा कम हो जाए, या अगर हम किसी को गुनाह तसव्वुर ना करें तो वो गुनाह नहीं होगा। ऐसा नहीं है। नेकी और गुनाह का तायुन अल्लाह ने किया, इन्नल्लाह कतबल हसनात, अल्लाह ने तय किया है कि नेकी क्या है, गुनाह क्या है। सुम्मा बैना दालिक, और उसके बाद अल्लाह ने उनकी तमाम तफासिल को बयान किया जो आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर बयान की है। यहाँ साहिब किताब ने जो ज़ैली उन्वान कायम किया है, दुआ खालिस अल्लाह का हक है। खालिस अल्लाह का हक का मतलब ये कि गैरुल्लाह की तरफ कतन किसी भी सूरत में कोई भी हिस्सा नहीं फेरा जा सकता। अगर हम दुआ के किसी भी एक हिस्से को अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की तरफ फेरेंगे तो यकीनन ये शिर्क में शुमार होगा, इसलिए कि दुआ इबादत है और इबादत अल्लाह के अलावा किसी गैर की नहीं की जा सकती। इस ज़िम्न में साहिब किताब ने बहुत सारी आयात को पेश किया, मशहूर आयत जो हम हर दर्स की इब्तिदा में पेश करते हैं सूरह ज़ुमर की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वक़ाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, के अल्लाह तुम्हारा रब कह रहा है मुझको पुकारो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। इन्नल्लज़ीना इस्तकबरून अन इबादती, जो लोग मेरी इबादत से रुगर्दानी करते हैं, तकबुर करते हैं, यानि अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की तरफ जाते हैं, तो सैद खलून जहन्नम दाखिरीन, मैं उन्हें जहन्नम में जलील करके रुसवा करके दाखिल करूँगा। ये जहन्नम में रुसवाई कैसी है? सबसे बड़ी रुसवाई है कि किसी को जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। उसमें भी रुसवा करने का मतलब क्या है? ऐसे मुजरिमों को बाइज्जत तौर के पर नहीं लाया जाएगा बल्कि इन्हें चेहरे के बल घसीटते हुए लाया जाएगा, जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये जिल्लत है। ऐसा नहीं है कि हम जैसा कि दुनिया में मुजरिमीन को देखते हैं कि उन्हें फांसी देना है, कत्ल की सज़ा देना है, आम अंदाज में लाया जाता है, उसके बाद उन्हें तख्तेदार के पर चढ़ाया जाता है। नहीं, बल्कि इन मुजरिमों को टांग पकड़ कर चेहरे के बल घसीट कर, बल्कि सूरह मुल्क में अल्लाह ने बयान किया कि इन्हें उनके चेहरों के बल चलाते हुए लाया जाएगा। इस बात के पर असहाबे किराम को ताज्जुब भी हुआ कि अल्लाह के रसूल के एक इंसान चेहरे के बल कैसे चल सकता है। तवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो अल्लाह इस बात के पर कादिर है कि वह हमें अपने पैरों के पर चलाए, वो इस बात के पर भी कादिर है कि हमें अपने सर के पर चला दे। वह हर चीज़ के पर कुदरत रखता है। तो अल्लाह चेहरे के बल इन्हें घसीट कर चेहरे के बल चलता हुआ जहन्नम में दाखिल करेगा।
दुआ खालिस अल्लाह का हक है, उसके बहुत सारे दलाइल हैं यहाँ साहिब किताब ने पेश किए। अल्लाह का इरशाद है वमा उमिरु इल्ला लियअबुदु इलाहा वाहिदा, के लोगों को सिर्फ इस बात का हुक्म दिया गया था अकेले अल्लाह की इबादत करें, और दुआ इबादत है तो सिर्फ अल्लाह से करना चाहिए। आगे मशहूरा है सूरह ज़ारियात की वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन व इंसों को सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया। बात वाज़ेह है के दुआ इबादत है, इसलिए इंसान और जिन्नातों को सिर्फ अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी गैर की तरफ ना उम्मीद वाबस्ता रखना चाहिए ना उससे दुआ करना चाहिए। कई आयात यहाँ पर साहिब किताब ने नकल की है। अलावासी कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि फला तदउ मा अल्लाह अहदा, ये भी एक अहम बात है, अल्लाह के साथ किसी गैर को मत पुकारो। साथ का मतलब क्या, अल्लाह को भी और अल्लाह के अलावा दूसरों को भी। और आजकल मुसलमानों के दरमियान जो बिदअती तबका है वो सिर्फ बिदअत के पर नहीं मुनासिर हैं बल्कि वो शिर्क के दायरे में दाखिल हैं, बल्कि इन लोगों की दुआ का अक्सर हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं के अलावा गैरुल्लाह से दुआ का होता है। बहुत सारे लोग तो इतने बेवकूफ़ हैं, यानी दीन की बिल्कुल तालीम नहीं है, दीन का बिल्कुल इल्म नहीं है, ये लोग नाउज बिल्ला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के ताल्लुक से जो मशहूर अशार हैं शिया राफजी के बनाए हुए कि नाद अली मुदहिर अल अजाइब तजिद अउन अल्लाह फिन नवाइब, के तुम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को अपनी मुसीबतों में पुकारा करो, यकीनन तुम उन्हें अपने मुसीबतों में मुश्किलात में मदद करता हुआ पाओगे, वो तुम्हारी मदद करेंगे। इसीलिए वो लोग कहा करते हैं अली मुश्किल कुशा, हजरत अली ये मुश्किलात को दूर करने वाले ये कौन है, जो अपने आप को शिया राफजी नहीं कहता लेकिन राफजियत उनकी अकीदत में उनकी मोहब्बत में उनके आमाल में दाखिल है। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ही पुकार रहे हैं या किसी कब्र के पर जाने के बाद उस कब्र वाले से इमदाद कर तलब कर रहे हैं, नहीं बल्कि इन लोगों के राफजियत भी आपको नजर आएगी। ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो हमें लगता है कुरान मजीद ने बातें कही बहुत आसान सिंपल सी है, नहीं, ये हमारे लिए गरचे हम अपने एतबार से इसे हल्का समझ रहे हैं हालांकि वो हल्की नहीं है, बहुत अहम चीज़ है जिसमें अल्लाह सिर्फ इबादत के बारे में मुतालबा कर रहा है कि वो मेरा हक है, तुम अगर उस हक को किसी गैर की तरफ फेरोगे मैं यकीनन सजा दूंगा, और उस सजा ये है सैद खलून जहन्नम दाखिरीन, इन्हें जहन्नम में जलील करके रुसवा करके दाखिल किया जाएगा। अब यहां कुरान में या जैसा कि इस यहां पर साहिब किताब ने ज़ैली उन्वान कायम किया है सिर्फ अल्लाह का हक है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि अल्लाह का क्या क्या हक है। उन्हें अपने हक के बारे में पता है बल्कि अपने हक से ज्यादा वसूलने की फिक्र में लगे रहते हैं, मेरा दुनिया में क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, लेकिन उन्हें अपने रब अपने मालिक अपने खालिक के हुकूक के बारे में इल्म नहीं है। अगर आप सवाल कर लें कि अल्लाह का हक बंदों के पर क्या है तो क्या जवाब देंगे आप, अल्लाह का हक बंदों पर क्या है तो क्या जवाब देंगे, नहीं दे पाएंगे। उमूमी तौर पर लोग चूंकि अब यहां एक आम मिजाज लोगों के दरमियान बना हुआ है सिर्फ जज्बाती इश्तियाल अंगेज तकरीरें सुन लेना भड़कीले बयान सुन लेना, हम समझते हैं कि बस यही दीनी काज है, जबकि हकीकत में यह वक्ती जरूरत है, इससे कहीं ज्यादा अहम जरूरत दुरूस की है जिसमें हमारी इल्मी पुख्तगी पैदा होती है, मसाइल के बारे में गहराई और गिराई पैदा होती है। अब बताइए कि इतनी जज्बाती शोला बयानी तकरीरों को सुनने के बाद अगर ये जवाब हम ना दे पाए तो क्या अकीदे का इल्म हमारे पास है, जबकि ये बुनियादी चीज है जिसको जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि अपने रब का अल्लाह का हक उसके पर क्या है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो आपने ही सवाल किया था कि मुआज़ जानते हो अल्लाह का हक बंदों पर क्या है कि क्या हक अदा करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं।
तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह का हक बंदों के पर यह है कि अल्लाह याबुदु, के वो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की किसी की भी इबादत ना करे, वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की इबादत में किसी गैर को शामिल ना करे। वला तुशिकु बी शैया, ये अल्लाह का हक है। अब इबादत में दुआ शामिल है, दुआ के अलावा बहुत सारी इबादतें, नजर नियाज है, सब इबादत के अंदर शामिल है, रुकू है, सज्जा है, क्याम है, सब इबादत में शामिल है। इबादत कहते हैं तजर्रो, खाकसारी, और किसी की अजमत व जलालत के सामने उसकी किबरियाई को समझते हुए कोई भी काम करना, चाहे रुकू किया जाए, सजदा किया जाए, ताजीमन खड़ा हुआ जाए, कुछ मांगा जाए, उसके नाम के पर कुछ निकाला जाए, सब उसी के अंदर शामिल है, तो ये इबादत है। और इबादत गैरुल्लाह की तरफ नहीं फेरा जा सकता। अब अल्लाह का हक समझ में आ गया, बंदों का हक अल्लाह पर क्या है, यही सवाल हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला ने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह बंदों का हक अल्लाह के पर यह है कि जिसने भी उसकी इबादत में किसी गैर को शामिल नहीं किया उसे वो जहन्नम से निजात दे, जन्नत में दाखिल करे। ये अल्लाह पर बंदों का हक है, लेकिन कब, जब बंदा अल्लाह की इबादत में किसी गैर को शामिल नहीं करेगा तब। तो कुरान मजीद ने साफ कहा फला तदउ मअ अल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ किसी गैर को नहीं पुकारना है, यानी अल्लाह को भी पुकारो, अल्लाह के अलावा गैर को भी पुकारो नहीं। अल्लाह ने इस बारे में साफ कहा मुस्लिम की रिवायत, अन अगना शुरका यानी शिर्क, मैं तमाम शुरका में शिर्क से सबसे ज्यादा बेनियाज हूं। शुरका को जरूरत पेश आ सकती है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ अल्लाह का खासा है, तो फिर कई अलग अलग, यही वजह है कि आप देखिए मुशरिकीन मक्का के अंदर भी और यहां आज मुसलमानों के अंदर भी है चीज, जिन्होंने हकीकत तौहीद को समझा ही नहीं, न अकीदे को समझा, न मनहज को समझा, न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जैसे आशनाई होनी चाहिए थी नहीं है। तो नतीजा क्या है कि ये लोग आखिर इबादत और उन सारी चीजों को सही तौर पर समझ क्यों नहीं पाते हैं। मुशरिकीन का तरीका क्या था, अगर उन्हें लगता था कि एक माबूद के पास हमारी हाजत नहीं पूरी हो पा रही है, दूसरे के पास जाते, उसके पास नहीं तीसरे के पास। ये क्या कोई डॉक्टर है कि अगर एक डॉक्टर ने आपका सही ट्रीटमेंट नहीं किया या आपके मर्जों को नहीं पकड़ पाया उससे बेहतर कोई था वहां चले गए। ये इबादत है, ये हमारी जिस्मानी जिंदगी या जिस्मानी सेहत से मुतालिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि हम डॉक्टरों की तरह अपने माबूदों को तब्दील करें। यहां भी वही देखिए, अगर एक मजार के पर कोई काम कोई मुराद पूरी होती नजर नहीं आती है दूसरे पर जाते हैं, वहां नहीं तीसरे पर, और नहीं तो फिर वहां जाएंगे जो अजमेर के नाम से मशहूर है, और आखिरी में ले जाकर बगदाद पहुंचते। ये जो बताया जा रहा है अल्लाह के साथ, यानी अल्लाह को भी मान रहे, गैरुल्लाह को भी मान रहे, कुरान ने साफ कहा कि नहीं किसी को नहीं, साफ अल्लाह ने कहा कि मैं शुरका में शिर्क से सबसे ज्यादा बेनियाज हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मन अमिल अमलन अशरक फीही मैं गैरी तरक्तु व शिर्क, अगर किसी ने किसी भी अमल के अंदर मेरे अलावा किसी गैर को शामिल कर लिया तो मैं उसके पूरे अमल को जाए और बर्बाद कर देता हूं, तर्क हूं, मैं उसे भी छोड़ देता हूं और उसके शिर्क को जो उसने शामिल किया सब खत्म। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ी इबादत अल्लाह के लिए की, थोड़ी गैरुल्लाह के लिए की, थोड़ी दुआ अल्लाह के नाम पर मांगी, अल्लाह से मांगी, कुछ गैरुल्लाह के नाम से मांगी, तो अल्लाह से जो मांगी अल्लाह वो देगा, गैरुल्लाह वाली छोड़ देगा, नहीं, वो डायरेक्ट सब को रद्द कर देगा, इसलिए कि अब शिर्क आ चुका है। इसकी मिसाल थोड़ा सा अजीब लगती है लेकिन बात समझने के काबिल है कि अगर किसी शख्स ने बहुत अच्छी डिश बनाई, आपका ये बिरयानी बना ली, मुर्गो मुसल्लम बनाकर दे दिया, अगर उसमें थोड़ी सी गंदगी निजासत डाल दी तो ऐसा तो नहीं है कि आप जिस जगह के पर गंदगी डाली गई है उतना हिस्सा निकाल देंगे बाकी इस्तेमाल करेंगे।
इंसान की तबीयत उसे कतन बर्दाश्त नहीं करेगी, वो पूरा फेंक देगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूं सिर्फ, किसी भी खराब चीज के शामिल होने के बाद नतीजा क्या निकलता है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुददार, बहुत गैरतमंद है, वो कतन इस बात को बर्दाश्त करता ही नहीं है कि उसकी इबादत में किसी गैर को शामिल किया जाए। आगे साहिब किताब ने जो अब एक ज़ायली उन्वान कायम किया है, बहुत अहम है, दुआ में सुन्नत नबवी की पैरवी करने की अहमियत। यानी जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई है, करने के तरीके बताए हैं, उन्हीं की इत्तिबा करना बहुत ज़रूरी है। दुआ इबादत है, इबादत तौकीफी होती है, यानी जैसे जिस तरह करने का हुक्म दिया वैसे ही करना है। तो मिसाल लीजिए नमाज, नमाज इबादत है तो हम कैसे पढ़ते हैं, अपने तरीके पर नहीं, जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वैसे। अगर कोई शख्स ये कहेगा नहीं सजदा बहुत अच्छी इबादत है, मैं एक रकात के अंदर दो के बजाय तीन सजदे करूंगा, तो दुनिया का जाहिल इंसान भी कहेगा कि नहीं वो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। क्यों नहीं जायज है? इसलिए कि उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। तो हम भी वही कहते हैं कि चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, इसलिए हर वो तरीका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं हो वो रद्द हो जाएगा। अब यहां तो लोग एक सज्जा छोड़ दीजिए, पूरी पूरी इबादत अभी शबे मेराज गुजारी गई, जो कि सही सनद से 27 रजब को साबित ही नहीं है, उनमें लोगों ने एक जो चीज साबित नहीं है, मेराज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराया गया, इसरा मेराज दोनों चीजें ये बरहक है, लेकिन किस तारीख को इसके बारे में कोई सही रिवायत हमें नहीं मिलती है। बस इतना है कि हिजरत से कुछ पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराया गया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मेराज तो बरहक है, लेकिन उस रात में इबादत करना ये कहां से आ गया? कोई सलात अलफिया हजारी नमाज पढ़ रहा है, कोई इसमें अलग अलग तरीके ईजाद किया हुआ है नमाज के पढ़ने के। जब एक रकात में दो के बजाय तीन सज्दे नहीं हो सकते, एक रुकू के बजाय दो या तीन रुकू नहीं की जा सकती है, बल्कि आगे बढ़कर और चीज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नुहीतु अन अतलुल कुरान साजिदन व राकिया, कि मुझे रुकू और सजदे की हालत में कुरान मजीद की तिलावत से रोक दिया गया है। अब अगर कोई शख्स रुकू में सजदे में कुरान मजीद पढ़ता है वो भी गलत, हालांकि वो कुरान पढ़ रहा है लेकिन रुकू में जाने के बाद सजदे में जाने के बाद नबी की सुन्नत के खिलाफ होने की वजह से वो रद्द हो जाएगा। अब वहां ये नहीं देखा जाएगा कि आपने सजदा किया, कुरान मजीद की तिलावत की, आपको बहुत ज्यादा अजर मिलेगा इसलिए कि आपने सजदे जैसी इबादत में कुरान पढ़ा। नहीं, ना सजदा कबूल होगा ना कुरान की तिलावत कबूल होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुखालफत पाई जा रही है। असल चीज ये है। तो अगर हम ये कहते हैं कुरान मजीद की तिलावत करना कुरान खानी के नाम पर, किसी और को बख्शने के नाम के पर, वो भी गलत। यहां तो लोग एक्स्ट्रा रखे रहते हैं, मेरा इतना कुरान पढ़ा हुआ रखा हुआ है, जैसा कि बैंक बैलेंस है, आप फट से किसी भी नंबर के पर ट्रांसफर कर दे, एक कुरान पढ़ा किसी को भी बख्श दिया। सवाल यह पैदा होता है कि आपका वो कुरान पढ़ना कबूल हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको पता है? पहले यह साबित करो। साबित ही नहीं कर सकते तो जब साबित नहीं कर सकते कि वो चीज कबूल हुई कि नहीं हुई, तो किसी को बख्शना ये कहां से आ गया? कुरान तो साफ कहता है ला युकल्लिफ नफ्सन इल्ला वुसअहा, कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। इबादत जो कि बदनी होती हैं, इन इबादतों को किसी गैर की तरफ या उनके सवाब को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जितना साबित है उतना ही करना है। रोजे के बारे में साबित है कि अगर किसी शख्स का इंतकाल हो गया, उसके कुछ रोजे बाकी रह गए थे, बीमारी की वजह से नहीं रख पाया कोई और उज़्रों की बुनियाद के पर, तो ठीक है, उसके जो करीबी रिश्तेदार है वो रोजा रखेंगे, उसकी अदायगी हो जाएगी। हज के बारे में, नमाज के बारे में नहीं है कि आप नमाज अगर उसकी छूट गई है कोई दूसरा उसका करीबी रिश्तेदार पढ़ेगा तो नमाज अदा हो जाएगी, नहीं होगी। जो चीज़ साबित है वही मानी जाएगी। यही इबादत तौकीफी होती है, उसका मतलब है हम अपनी मर्जी और अपने तरीके इख्तियार नहीं कर सकते, जैसा बताया गया हमको वैसे ही करना है। तो हर चीज में, हर इबादत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा, आपकी सुन्नत की पैरवी करना लाजिम और जरूरी है। और यही मामला दुआ में भी है
कि दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही मांगना है। यहां साहिब किताब ने एक रिवायत को एक आयत को नकल किया है कि वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअ अल्लाह अहदा, मस्जिदें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के साथ किसी गैर को मत पुकारो। अब यहां गैर को पुकारने का मतलब यह है कि एक तो चीज है कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को, दूसरा यह कि अल्लाह के रसूल के तरीके के अलावा दूसरे के तरीके को फॉलो भी नहीं करना है कि किसी और ने कोई तरीका बता दिया, पूरी तफसील आगे आ रही है। चुनांच यहां फजाइल बिन इयाज रहिमुल्लाह का कौल है, वो फरमाते हैं कि इबादत अल्लाह के लिए खालिस और दुरुस्त होना जरूरी है। खालिस और दुरुस्त, ये दो शर्तें। खालिस का मतलब यह कि नीयत सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की रजा हो, सिर्फ अल्लाह से मांगना मकसूद हो, और दुरुस्त का मतलब यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। दोनों चीज़ें ज़रूरी, यानि अंदरूनी तौर के पर नीयत सही होना चाहिए और ज़ाहिरी एतबार से तरीका सही होना चाहिए। तो इनसे सवाल किया गया कि इखलास और दुरुस्तगी से मुराद क्या है, तो उन्होंने कहा कि अगर अमल खालिस अल्लाह के लिए हो लेकिन दुरुस्त ना हो तो कबूल नहीं होता। एक आसान सी मिसाल, अगर कोई शख्स बगैर वजू के नमाज अदा करे, तहज्जुद ही पढ़ने लग जाए, तो क्या उसकी नमाज अदा हो जाएगी? नहीं होगी, इसलिए कि उसने जो बुनियादी शर्त थी तहारत की, वजू वही नहीं बनाया। तो ये शर्त जरूरी है, इक्तिदा अगर नहीं पाई गई बात खत्म हो गई। अगर किसी शख्स ने नमाज अदा की चार रकात, उसने पहली रकात के अंदर तशहुद किया, दूसरी में नहीं किया, तीसरी में किया, चौथी में नहीं किया, डायरेक्ट सलाम फेर दिया, तशहुद तो दोनों पाया जा रहा है लेकिन तरीके में मुखालफत पाई जा रही है, इसलिए वो नमाज कबूल नहीं होगी। वही यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि अमल अगर खालिस अल्लाह के लिए हो, दिल में नीयत साफ हो, सिर्फ अल्लाह की रजा मकसूद हो, लेकिन तरीका सही नहीं है, तो फिर बात खत्म हो जाती है, बिगड़ जाती है। और अगर अमल दुरुस्त हो लेकिन इखलास ना हो, तब भी अल्लाह के यहाँ पर वो चीज़ कबूल नहीं होती है। दोनों ज़रूरी है कि आपकी नीयत सही हो और अमल भी सही होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी तरीके बताए, जैसा कि घर में दाखिल होते वक्त, बाहर निकलते वक्त, सुबह शाम के जो अस्कार है, सफ़र की जो दुआएं हैं, पसंदीदा नापसंदीदा चीज़ों को देखने के बाद जो दुआएं हैं, ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में जो जो दुआएं आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, जो जो अस्कार हैं, हमें उस वक्त उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करना है। आपके बताए हुए तरीके और अस्कार को छोड़कर किसी दूसरे का तरीका नहीं अपनाना है। वही बताना मकसूद है जो साहिब किताब ने यहाँ पर बयान किया है। यहाँ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का बहुत प्यारा कौल है, इन्होंने नकल किया है। ये कहते हैं कि बेशक दुआएं और अस्कार सबसे अफजल इबादत है। इससे पहले भी ये रिवायत गुजर चुकी है कि अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा काबिल तकरीम, बाइज्जत, इज्जत के काबिल कोई और चीज़ नहीं है। सिर्फ दुआ ही सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ पर काबिल तकरीम है। वही यहां पर बयान कर रहे हैं कि बेशक दुआएं और अस्कार सबसे अफजल इबादत है, और इबादत का दारोमदार तवक्कुफ और इत्तेबा पर है, ना कि ख्वाहिशात और बिदात पर। अल्लामा इब्ने तैमिया ने कहा इबादत का दारोमदार तवक्कुफ और इत्तेबा पर है। तवक्कुफ का मतलब यह है जैसे जितना बताया गया है उतना ही करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि मिसाल के तौर पर नमाज ले लीजिए, नमाज में जो सबसे अहम दुआ मांगी जाती है सूरह फातिहा, एक रकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मरतबा पढ़ने का हुक्म दिया? एक ही मरतबा। तो हम दो मरतबा नहीं पढ़ेंगे, तीन मरतबा नहीं पढ़ेंगे, या सूरह फातिहा की चंद आयात पढ़ लेंगे काफ़ी हो जाएगा? नहीं, पूरी सूरह फातिहा पढ़ना है, एक मरतबा पढ़ना है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं। यही है तौकीफ ही, और उसी में आ जाता है इत्तेबा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया है वैसे ही उसको किया जाएगा। बस अल्लाह के रसूल की दुआएं और जिक्र अस्कार सबसे अफसल दुआ और जिक्र है, और जो इसके अलावा जिक्र अस्कार हैं सब हराम और मकरूह हैं,
और कभी उसमें शिर्क भी होता है जिसकी तरफ अक्सर लोग हिदायत नहीं हासिल कर पाते। बहुत अहम बात अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कही है, उन्होंने ये कहा है सबसे अफजल दुआ वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। क्यों? मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी है, कौन सी दुआ? घर में दाखिल होते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ा, आप भी बिस्मिल्लाह पढ़िए। आपने खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ा, आप भी पढ़िए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि वही वही अल्फाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किए हम भी कर रहे हैं। नबी की इक्तिदा है, मसनून अल्फाज हैं और उससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। तो आपके बताए हुए तरीके खाने के बारे में आप देखिए, लोगों ने अजीब और गरीब किस्म की दुआएं बनाकर रखी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं। लोग होटलों के पर भी लिख कर रखे हैं बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। वजू खाने के पर बैठ जाइए, एक एक रुकन के लिए आप हाथ धो रहे हैं तो दुआ है, कुल्ली करें तो दुआ है, नाक में पानी चढ़ाए तो दुआ है। यानी इंसान वजू करने के बजाय दुआओं में उलझा रहेगा। अल्लाह का दीन इतना मुश्किल और परेशान कुन नहीं है। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर वजू बनाया और बीच में कोई दुआ नहीं मांगी, डायरेक्ट आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खात्मे के पर दुआ मांगी है, बस बात खत्म हो जाती। अब ये बीच में इतना सारा अतिक्रमण कि इंसान वजू बनाने में जब दुआओं का ख्याल रखे बाकी सारी चीजें भूल जाए, जबकि आपने कहा कि वजू में इसबाग होना चाहिए। इसबाग का मतलब यह है जितने आज़ाए वजू हैं उन्हें अच्छे तरीके से धोना ताकि कहीं पर बाल के बराबर भी जगह खुश्क ना रह जाए। एक मतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को देखा कि वो थोड़ा जल्दबाजी में वजू बनाकर जा रहे थे तो उनकी एड़ियों में खुश्की बाकी रह गई थी, पानी वहां तक पहुंचा नहीं था। यहां पर भी बहुत सारे लोग अपने कोहनियों को, हाथों को धोते वक्त और पैर को धोते वक्त गलती करते हैं। देख लीजिए कहीं उनकी कोहनियों के आसपास की जगह खुश्क रह जाती है, कभी पैर के पीछे हिस्से की। तो ध्यान देना, इस बाग का मतलब यह है कि पानी को आजाए वजू तक अच्छे तरीके से पहुंचाना ताकि कोई जगह खुश्क ना रह जाए। तो आपने कहा वैलुल इलाका बिमिनन नार, कि इन एड़ियों के लिए वैल है, तबाही है, जहन्नम की आग है। इतना सख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। क्यों? इसलिए कि इस बाग का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस बागुल वुदू अलल मकारे, तकालीफ और मुश्किलात के बावजूद भी वजू मुकम्मल करना। सख्त सर्दी है उसके बाद भी आप वजू मुकम्मल कीजिए, यही इस बाग है। खैर, बताने का मकसूद ये था कि आपने जैसे बताया है वैसे ही करना है। दुआ में ना तो कमी की जाएगी, ना ज्यादती की जाएगी, ना अल्फाज में किसी तरीके की तब्दीली की जाएगी। दुआ में इस बात का ध्यान रहना चाहिए। आगे इन मसाइल का तस्कर आएगा भी। एक जगह हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई उसमें रसूल की जगह के पर नबी का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, रसूल ही पढ़ो। इससे मालूम होता है कि मसनून दुआ में अल्फाज में कमी बेशी या तब्दीली जायज नहीं है। तो ये अहम चीज है जो यहां अल्लामा इब्ने तैमिया कह रहे हैं कि सबसे अफजल दुआ और सबसे अफजल दुआ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वही है। आपने जो खाने के वक्त हो, वजू के वक्त हो, या वजू के बाद खाना खाने के बाद कदाए हाजत, जो भी सफर वगैरह की दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता था। अब ये आगे जो कह रहे हैं कि उसके अलावा जो वो हराम और मकरूह है। अब यहां मिसाल के तौर पर लीजिए, खाने के वक्त हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना साबित है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला के जो बच्चे थे उनके शौहर की वफात के बाद, शहादत के बाद, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जेर परवरिश आ गए थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा से निकाह कर लिया था। तो ये खाने के वक्त अपने हाथ को पूरी प्लेट में घुमाया करते थे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा बुखारी की रिवायत में, या गुलाम, आए मेरे बच्चे, कुल बी यमीनी, अपने दाहिने हाथ से खा, सम्मिल्ला, अल्लाह का नाम लो यानी सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ो, और अपने आगे से खा, वकुल मिम्मा यलीक, जो तुम्हारे करीब है। तीन बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, सम्मिल्लाह, वकुल बी यमीनिक, वकुल मिम्मा यलीक, अल्लाह का नाम लो, दाहिने हाथ से खाओ और अपने करीब से खाओ। ये नहीं कि पूरी प्लेट के अंदर हाथ घुमाते रहो। अरब में आमतौर से जो बर्तन इस्तेमाल किया जाता है, आप भी देखिए हमारे यहाँ पर खास तौर से जो थाला होता है, बड़ी बड़ी सीनी होती है,
उस तरह के बर्तन होते हैं और एक ही सीनी के अंदर 8-10 लोग बैठकर खाना खाते हैं, 4-5 लोग खाना खाते हैं। ये उनकी तहजीब है। हमारे यहाँ पर चूंकि प्लेट छोटी होती है, 1-2 आदमी मुश्किल से उसमें खाना खाते, तो इसमें वो हुक्म नहीं होता है। लेकिन अगर कहीं पर ये चीज़ है, या ये भी होता है कि दस्तर के पर कई चीज़ें मौजूद है, तो फिर वहाँ खाते वक्त तो आदाब का लिहाज रखना चाहिए। ये नहीं कि आप उठ उठ कर किसी चीज़ को उठा रहे हों, ये खाने के वक्त तो एक बेअदबी है। मुसलमान बाअदब होता है खाने के वक्त तो कहीं पर भी हो, हर जगह पर हमें तौर तरीके बताए गए हैं। आप उठने के बजाय सामने वाले से मुतालबा करके उसको मांग लीजिए अच्छे अंदाज से, ताकि खाने के वक्त तो बदनस्मी ना हो सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना बताया उतना, बिस्मिल्लाह के अलावा बरकतिल्लाह हम नहीं कहेंगे। बहुत अच्छा माना होता है कि अल्लाह के नाम से अल्लाह की बरकत के पर, लेकिन हम उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। क्यों नहीं? इसलिए कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत आपका तरीका नहीं है। वही आप बयान कर रहे हैं कि हराम और मकरूह है, उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं। चाहे वजू के वक्तों में जो दुआएं शामिल कर दी गई हो, खाने के वक्त शामिल कर दी गई हो, या खाने के बाद मशहूर दुआ है जो साबित नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमाना वसकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन, नहीं, जो चीज़ साबित है आप वही पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा वरज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वतिन, तिर्मिज़ी की सही रिवायत, खाना खाने के बाद की दुआ। आगे कह रहे, और कभी उसमें शिर्क भी होता है। बाज़ दुआएं कभी आप देखिए, किसी मुश्किल और परेशानी के लिए किसी आलिम के पास आप चले गए, वो कहता है कि मुजर्रब दुआ है, बहुत आजमूदा है, इस दुआ को करने की वजह से मुश्किलात दूर होती है, औलाद नहीं है तो औलाद हो जाती है, ज़िंदगी की मुश्किलात परेशानियां दूर होती है, कारोबार में तरक्की होती है, बरकत होती है। जब उस दुआ को आप अरबी नहीं जानते हैं, दुआ ले लिए जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित दुआ है नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता कि उसमें शिर्क पाया जाए। ये वो दुआएं हैं जो लोगों ने अपनी तरफ से बनाया, अब उसमें शामिल कर देते हैं नबी के सदके और तुफैल में, अरबी दुआ के अंदर बिजा ही नबी ही का, कि तेरे नबी के जा और मरतबे सदके तुफैल में इसको कबूल फरमा, या दुआ में और कुछ शिरकी अल्फाज शामिल कर दिए जाते हैं। वही आप बयान कर रहे हैं कि और कभी उसमें शिर्क भी होता है, जिसकी तरफ अक्सर लोग हिदायत नहीं पाते, उन्हें पता ही नहीं होता है, बस अरबी लेकर पढ़ने लग गए और उन्हें क्या पता है कि दुआ के अंदर शिर्क है, तो यह खतरनाक चीज है। इसलिए मसनून दुआओं का लिहाज करना चाहिए। वो दुआएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, जो कुरान में मस्कूर है, उससे बेहतर कोई दुआ हमारी मुश्किलात, परेशानी, खुशहाली, बरकत के लिए कोई नहीं हो सकती है। आगे बयान करते हैं अल्लामा इब्न तैमिया का कौल के किसी के लिए जायज़ नहीं कि वो लोगों के लिए ऐसी दुआएं और जिक्र अस्कार को राइज करे जो मसनून और जायज़ ना हो। किसी के लिए नहीं, ना किसी फकीर, ना आलिम, ना बुजुर्ग, ना मुफ्ती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआ साबित है, जो जिक्र अस्कार साबित है, वही करना है। आज आप देख लीजिए, मार्केट में चले जाइए, ऐसे ऐसे औराद और ऐसे ऐसे वज़ाइफ लिखे हुए हैं कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और लोगों को दे दिए गए कि आप इसको सुबह पढ़िए, शाम को पढ़िए, इसके अंदर पढ़िए। और बास मरतबा ये भी होता है कि सिर्फ अल्लाह का एक नाम, कोई कहता है कि बस अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब है? सिर्फ आप अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कुरान में या हदीस में कहीं पर भी जिक्र आपको मुफरद नहीं मिलेगा, यानी सिर्फ किसी नाम को, या अल्लाह को आप सिर्फ कहे या रहमान या रहमान या रहमान, मतलब क्या है? अल्लाह को आप सिर्फ पुकार रहे हैं, क्या मकसद है? अगर आप किसी आदमी के सामने जाकर खड़े हो जाएं और उसका नाम सिर्फ लेते रहे तो उससे क्या होगा? अब उसका नाम मिसाल के तौर के पर अहमद है, तो आप उसको बस या अहमद या अहमद, क्या होगा इससे? वो कहेगा अभी कहना क्या है वो बता, सिर्फ नाम पुकारने से मसला हल होगा? तो अल्लाह के नाम के साथ ज़रूरियात का तस्करा होता है, और आपको कुरान में और अहादीस में जितने भी अस्कार हैं, दुआएं हैं, उसमें तफसील मिलेगी। पूरा ऐसा जुमला होता है जो जू माना होता है, बेमाना नहीं होता। आगे बयान कर रहे कि उसको नफली इबादत बना दे कि लोग उसको बराबर अंजाम देते रहें, जैसा कि बहुत सारे सूफिया इस तरह की हरकतें करते हैं। यहाँ कोई चीज़ आपको उमूमी तौर के पर कुरान हदीस से साबित नहीं मिलेगी, बल्कि ये अपने बनाए हुए औराद हैं, अपने बनाए हुए अस्कार हैं, वही लोगों को बताते हैं, मसनून चीज़ें आपको नहीं मिलेगी।
और यहाँ पर यह भी चीज़ है, अभी मिसाल के तौर पर शब मेराज गुजरी या आगे शब बरात जो कि एक शिया रात है, अहले सुन्नत वल जमात से बेजारी नफरत का इजहार जिसमें किया जाता है, उसमें भी लोग इबादतें तय कर देते हैं कि आपको 50 मरतबा 100 मरतबा कुल अल्लाह वहद पढ़ना है। कुल अल्लाह वहद सुरह इखलास पढ़ना गलत नहीं, लेकिन ये 50 की तायीन, 10 की तायीन, 30 की तायीन, ये कहाँ से? ये वही कह रहे हैं उसको नफली इबादत बना दे के लोग उसको बराबर अंजाम देते रहें। बाज लोग अलग अलग नफल इबादतें भी बना कर रखे हैं, ठीक है आपको दो ही रकात पढ़ना है जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है, लेकिन क्या होगा उसमें, आप रकात के अंदर इतनी मरतबा ये सूरह पढ़ लीजिए, रुकू में जाने के बाद ये दुआ 50 मरतबा 60 मरतबा 100 मरतबा पढ़ो, सजदे में ये दुआ पढ़ लो, ये सब के सब गलत है। वही यहां पर अल्लामा इब्ने तैमिया कह रहे हैं उसको नफली इबादत बना दे कि लोग उसको बराबर अंजाम देते रहे, जैसा कि वो 5 वक्तों की नमाजों को बराबर अदा करते हैं, बल्कि ये बिदअत है जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है। ये आप देख लीजिएगा, मैं खुद अपने नजरों से इन चीज़ों का मुशाहदा क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि बरेलवियों के यहाँ पर, बिदअतियों के यहाँ पर नमाज जुमा अदा करने के बाद काबतुल्लाह से थोड़ा सा हट कर दाहिनी जानिब मुड़ कर जो नमाज अदा की जाती है जिसे सलात गौसिया या कोई और नाम दिया जाता है, वो बगदाद की तरफ किबला रू होकर पड़ी जाती है। सोचिए कितना अजीम जुर्म, अल्लाह के घर में जो कि तौहीद का मरकज है वहां पर शिर्क, अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की तरफ शैतान थोड़ी देर में फेर दे रहा है आपको। अभी आपने अल्लाह की इबादत की नहीं कि आपने गैरुल्लाह की इबादत की, और उसी जगह मरकज तौहीद में मस्जिद में, इसके बारे में जैसा कि पीछे आयत भी गुजरी, वह अनल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद सिर्फ अल्लाह के लिए है, फला तदउ मा अल्लाह अहदा, अल्लाह के साथ किसी गैर को मत पुकारो। तो ये क्या है, नमाज जुमा अदा करने के बाद आप गैरुल्लाह को उसी जगह पर उसी मस्जिद में पुकार रहे, कुरान मना कर रहे, शिर्क कर रहे। वही चीज है जो यहां पर अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की, उसके बरखिलाफ कभी भी आदमी जिसके जरिए दुआ करता है लेकिन उसको लोगों लोग सुन्नत और तरीका नहीं बनाता और उसे उसके हराम होने के बारे में पूरे जिस्म के साथ ये मालूम भी नहीं होता है कि वो हराम मानी पर मुश्तमिल है, जो दुआएं हम देखते हैं खासतौर के पर लोगों को बता दी जाती है, आप मुश्किलात के अंदर है, परेशानी है, या किसी बीमारी के अंदर, आपने बहुत मरतबा सुना होगा, बल्कि ये चीजें आपको किताबों के अंदर लिखी हुई मिलती भी है, कुरान की आयतों को नौजबिल्ला औरतों की रान के पर कहीं पेट के पर लिखने का, ये कहां से कुरान की इतनी बेहुरमती? वही बताया जा रहा है कि वो ये तो है कुरान को लिख दिया गया, कहीं पर हराम माना पर मुश्तमिल होता है। मैंने राफजियों की मिसाल दी जहां पर शेर में खुले तौर पर कहा जा रहा है नाद अली मुजहिर अल अजाइब, के हजरत अली को पुकारो वो अजायब को जाहिर करने वाले, यानी जो चीज तुम्हें नहीं समझ में आती वो कर देंगे, हैरत अंगेज काम करने वाले, तजीद हुआ उन अल्लाह का फिर नवाई, मुश्किलात में तुम्हें मदद करता हुआ पाओगे। तो ये हराम माना पर मुश्तमिल है, लेकिन उसमें हराम माना मौजूद होता है। गौर करेंगे मानर मफाहिम को, सबसे पहली बात यह कि अगर वो अच्छे अल्फाज पर भी मुश्तमिल है, जैसा कि खाने के वक्त तो दुआ है कि बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला, बहुत अच्छे माना पर मुश्तमिल है अल्लाह के नाम से उसकी बरकतों पर, लेकिन नहीं हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों? इसलिए कि वो साबित है ही नहीं, जब साबित ही नहीं है तो पढ़ेंगे क्यों? और दूसरी बात यह कि माना ही उसके अंदर हराम हो, यानी शिरकिया हो या कोई शरीयत के खिलाफ माना पाया जाता है, तो ये गुनाह पर गुनाह है। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं का एहतमाम ना करना, और दूसरे ये कि हराम माना के पर मुश्तमिल दुआओं का एहतमाम करना, दोनों गलत, और इंसान को उसका शऊर भी नहीं होता। उमूमी तौर पर जाहिल तबका अवाम का जो होता है उसके बारे में ध्यान नहीं देता और फिर मामला बिगड़ जाता है। इसी तरह जरूरत के वक्त इंसान कुछ दुआओं के जरिए दुआ करता है और उस वक्त उसके लिए खुल जाती है, और गैर शरी विद और अस्कार का एहतमाम करना शरीयत में मना है, इसलिए कि शरी दुआएं और अस्कार में सही और बुलंद आला मकासिद मतालिब होते हैं, और शरी अस्कार को छोड़कर बिदती अस्कार जिक्र अस्कार को सिर्फ जाहिल और सरकश इंसान ही इख्तियार करता है। ये मजमूल फतावा की इबारत है अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का कौल।
यहाँ इन्होंने जो कहा उसका मतलब क्या है? कभी कभी हम ऐसे हराम माना के पर मुश्तमिल औराद या अस्कार या दुआएं मांगते हैं तो होता है कि वो मुश्किल दूर हो जाती है। तो क्या इसका मतलब है उसको मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत आपको पता है अबू दाऊद की, कि उनकी आँख उनकी बीवी की आँख में तकलीफ थी। किसी ने बताया कि एक यहूदी है वो मंत्र पढ़ता है, वहाँ जाओ। जब वो वहाँ पर गई तो तकलीफ दूर हो गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा कितने ज़हीन थे, समझदार थे, उन्होंने कहा कि वो शैतान है, वो तुम्हें तकलीफ़ देता है, आँख में कचोके लगाता है ताकि तुम्हें भटका सके, और जब तुम गलत जगह के पर जाती हो उस यहूदी के पास जिसके पास यकीनी बात है कि शरीयत का इल्म नहीं है, वो अल्लाह के रसूल की दुआ के जरिए इलाज नहीं करेगा, जब वो मंत्र पढ़कर फूंकता है तो शैतान का मकसद पूरा हो जाता है, तुम्हें अल्लाह के दर से हटाकर नबी की सुन्नत से हटाकर दूसरे के रास्ते के पर डालना तो तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देता है। जाहिर ये होता है कि तकलीफ खत्म हो गई, लेकिन मसला ये कि उससे कहीं ज्यादा अजीम गुनाह के अंदर इंसान मुलविस हो जाता है जो शिर्क और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से इन्हिराफ है। अल्लाह इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक कब्र के बारे में मशहूर था कि अगर जानवर को कब्र की शिकायत हो तो उस कब्र के पर ले जाने के बाद बहुत पहुंची हुई शख्सियत है फौरी तौर के पर इलाज हो जाता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदो वो पहुंची भी नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब कब्र वाले को अजाब दिया जाता है तो उसकी तकलीफ और उसकी आवाज को सिवाय इंसान और जिन्नात के तमाम मखलूकात सुनती है, तो असल में वहां अजाब होता है, वो अजाब की जगह है, और उस दहशतनाक आवाज को जब जानवर सुनता है घबरा कर भागता है, और उसी की घबराहट की बुनियाद के ऊपर पेट की तकलीफ और कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। इंसान अपनी जिंदगी में देखे, बहुत सारे लोग जब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा डर और खौफ मुसल्लत हो जाता है, तो कभी उनकी पेशाब खता हो जाती है, तो कभी कदाए हाजत हो जाती है डर और खौफ की बुनियाद पर, तो वो अजाब की आवाज बहुत भयानक होती है। वो सिर्फ जानवर सुनता है, इंसान और जिन्नात नहीं। उसकी बुनियाद के पर सोचिए, जो एक चीज जाहिलों के लिए करामत थी, एक आलिम की नजर में, आरिफ बिल्ला जो अल्लाह को पहचानता है, उसकी शरीयत का इल्म रखता है, उसकी नजर में वो अजाब था। फर्क होता है, इंसान दीन के मामलात में जितना पुख्ता होगा उसी के बकदर वो गुमराहियों से महफूज रहेगा। आगे इन्होंने अल्लाह मेरे तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के कौल को नकल किया कि लोगों में सबसे बुरा शख्स वो है जो अल्लाह के नबी की मासूर और आपसे शादीशुदा दुआओं को छोड़कर किसी शेख या पीर की दुआओं का एहतमाम करता है। ये मार्केट में आपको जो किताबें मिलती है पंज सुरा के नाम के पर या औराद और वज़ाइफ के नाम के पर, क्या होता है उसके अंदर उमूमी तौर पर यही होता है कि आप देख लीजिएगा कुछ मसनून चीज़ों को शामिल करके बाकी तमाम चीज़ें गैर मसनून तरीके से शामिल कर दी जाती है। अक्सरियत ये चीज़ की है। यही वजह है कि हमने जो एहतमाम किया सुबह शाम के अस्कार या दीगर दुआओं के बारे में, तो खुसूसी तौर के पर, और ये जो फिकहुल अदैया वल अज़कार इस दर्स के सिलसिले को शुरू करने का मकसद भी यही है कि दुआ जैसी अहम इबादत के मामले में हम गुमराही का शिकार ना हो, इसलिए कि दुआ से इंसानी जिंदगी में जगह जगह के पर साबका होता है। आप खाने के लिए बैठेंगे तो दुआ है, कदाए हाजत के लिए दुआ है, घर में दाखिल होने के लिए दुआ, मस्जिद के लिए, सफर के लिए, हर चीज के लिए दुआ है। जिंदगी का कोई शोभा इससे खाली नहीं है, तो हमें इसके बारे में मुकम्मल इल्म होना, शरी आदाब के बारे में जानना जरूरी है। और आगे कह रहे हैं शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के, और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की दुआओं को छोड़ देता है जो अल्लाह की उसके बंदों पर हुज्जत है। अल्लाह ने अंबिया की जो दुआएं हमको बताई है उसका मकसद क्या है कि जिन हालात में अंबिया ने उन दुआओं का लिहाज किया, उन दुआओं को मांगा, हम भी उस दुआ को इस्तेमाल करें। अगर हमें बीमारी है, कोई बड़ी परेशानी है, तो हम दुआ मांगे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ, अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, परदिगार में तकलीफ में गिरा हुआ हूँ, तू बड़ा रहम करने वाला। अगर हमें लगता है कि हम बेयारो मददगार है, जिंदगी की राहें हमें समझ में नहीं आ रही है, किसी ऐसे मोड़ के पर है कि लगता नहीं करें तो क्या करें, तो आप हजरत मूसा की दुआ मांगिए
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جب وہ مصر سے اپنی جان کو بچاتے ہوئے مدین تک پہنچے تھے کوئی نہیں تھا، نہ گھر بار، نہ دوست و احباب، نہ رشتے دار، کیا دعا مانگی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میرے پروردگار تو جو بھی مجھے نازل کر دے، عطا کر دے، اتار دے، میں اس کا محتاج ہوں. جامع دعائیں ہوتی ہیں انبیاء کی، اس کا لحاظ کرنا چاہیے. آگے بیان کر رہے ہیں علامہ المعلمی رحم اللہ کا قول ہے، بہت پیارا قول ہے. وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں وہ شخص ہے جو کتاب و سنت میں ثابت دعاؤں کو چھوڑ کر دوسری دعاؤں کو تلاش کرتا ہے اور اسے برابر انجام دیتا رہا ہے، تو کیا یہ ظلم اور سرکشی نہیں؟ اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر، یہی مثال میں اکثر دے رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر نماز اس طریقے کے پر پڑھے جو کسی پیر ولی بزرگوں کی یا آپ کی بنائی بھی ہو، چاہے وہ شب معراج والی ہو، شب برات والی ہو یا کوئی اور رات والی ہو، صلاۃ غوثیہ ہو، صلاۃ الفیہ ہو، سب بے معنی چیز ہے. اس کے پر ثواب نہیں عذاب ہوگا، سزا ہوگی، جزا نہیں ملنے والی. تو یہاں پر خاص طور سے انہوں نے نقل کیا کہ دعا میں سنت نبی کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے. آگے اس ضمن کے اور بھی بہت سارے اہم مسائل ہیں انشاءاللہ جو بتدریج آپ کے سامنے پیش ہوں گے. آج جو درس ہمارے سامنے ہے، پہلی چیز جو ذیلی انہوں نے قائم کی تھی، دعا خالص اللہ کا ہے، یعنی صرف اللہ سے دعا کرنا ہے، کسی غیر سے دعا نہیں. اور دوسری چیز ہے کہ دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا ضروری ہے. جیسا آپ نے بتایا ہے، آپ سے ثابت شدہ جو دعائیں وہی مانگیں گے، اس کے علاوہ کوئی دعا ہمیں نہیں مانگنا چاہیے، بہتر یہی ہے. اور اس کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کا لحاظ کرنے، دعا میں اخلاص اور طریقے میں نبی کی سنت اپنانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.